हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। देखिए, लाल बाबूजी के साथ मेरा जो अनुभव हुआ है, मुझे लगता है कि सारे डायरेक्टरों से एक अलग अनुभव है उनके साथ। उनके साथ डायरेक्टर वाला रिलेशन मेरा आज तक रहा ही नहीं। वो मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं और मैं उनको बड़े भाई की तरह मानता हूँ। तो उनका एक डिसीजन होता है, वो बोलते हैं कि भाई, और आज तक लाल बाबूजी ना कभी कहानी पे बैठने का काम किया और ना ही गाने पे। उनको मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि वो अपने बेटा पे भी उतना बड़ा विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं कि मेरा भाई जो बोल देगा वही होगा। और आते हैं और उनको मैं खुद बोलता हूँ कि हाँ भैया, कहानी बहुत अच्छी है, और वो किंतु परंतु बिना सोचे उस कहानी पे काम करते हैं। और आज लाल बाबू पंडित एक छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक इमोशन है, मेरा परिवार का रिश्ता है लाल बाबू भैया से। तो मेरी कोशिश रहती है कि उनके सिनेमा में मैं जब भी काम करूँ तो एक हीरो बन के नहीं, एक बेटा बन के, एक छोटा भाई बन के काम करूँ, ताकि अपना परिवार का सिनेमा है और मैं सबके साथ करता हूँ तो मैं एक परिवार की तरह ही रह के करता हूँ। मैं कभी हीरो बन के किसी के साथ काम नहीं किया, मैं एक बेटा बन के ही काम करता हूँ, मैं एक छोटा भाई बन के ही काम करता हूँ। ताकि मैं अगर बेटा बन के काम नहीं करूँगा तो शायद ये सिनेमा पूरी नहीं होगी। मैं अपने स्टार्डम में अगर आ गया तो शायद मैं लेट पहुँचूंगा, मैं टाइम से काम नहीं कर पाऊंगा, मैं अलग ही दुनिया होगी मेरी, कहीं कुछ भी, हाँ 5 घंटा लेट आओ, काम अच्छे से नहीं करो। तो वो दिक्कत होती है कि एक प्रोड्यूसर को जब आप अपना भाई मान लोगे, अपना गार्जियन मान लोगे, तो शायद गार्जियन के सामने कोई बच्चा गलती नहीं करता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं गार्जियन बना के ही अपना काम करूंगा। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।